काम पीछे नहीं होगा। अलग स्टूडेंट ने पुलिस को ये कहा है कि भाई अगर आपकी बेटी होती तो क्या करते, तो पुलिस वाला कहते मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है, तो वो मजदूर जिसकी बेटी कहां पर है उसकी बेटी इतनी सस्ती है, उसकी इज्जत इतनी सस्ती है, यहां पे मरियम नवाज इस बात को सकता है क्योंकि वो सरमायेदार की बच्ची है। पूछती हूं गार्ड किधर है, किधर छुपाया उस गार्ड को, वो गार्ड क्यों सामने नहीं आता? अगर वो अपनी गलती आके माने उसको सरेआम फांसी दो, जो करने उसके साथ करो, क्यों नहीं आता वो सामने? मैंने आराम से इनसे बात करने गई थी, वो जिस तरह से हंस रहे हैं मुझे उसके हंसने पे गुस्सा है, वो चिंगम चबा रहे हैं, चिल है वो, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, उसको कोई मसला नहीं है, उसको लग रहा है चार दिन का एहतजाज है उसके बाद हम लोग चले जाएंगे वापस, ये उसको गलत लग रहा है, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आज एक लड़की के साथ हुए हम सभी लड़कियां उसकी आइडेंटिटी ना रिवील करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो बिस्मा है वो जो मर्जी लड़की है, ठीक है, हमें उसके नाम से उसकी आइडेंटिटी से कोई मसला नहीं है, हमें बस ये है कि हमें इंसाफ चाहिए, ये पीटीसी का बायकॉट करें, ये जो ये मुहाफिज है हमारी, टू बी ऑनेस्ट मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये मुहाफिज है हमारे जो हमें डंडे मारने के लिए खड़े हुए हैं, डंडे इनके हाथ में क्यों है, ये हमें मारेंगे, हत्ते बच्चों को जिनके हाथों में कुछ असलहा वगैरह नहीं है ये हमें मारेंगे, ये हमारे मुहाफिज है, ये पाकिस्तान है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। जैसे प्रोटेस्ट हो, हम गेट के बाहर खड़े हैं, आप अंदर जाओ, हमारी मर्जी, हम देखें, ये आपने नहीं डिफाइन करना हम कहाँ खड़े होंगे, हम क्या करेंगे, आपका काम कैंपस का दिखाए, कैंपस के अंदर जाके खड़े हो, कैंपस से बाहर मत आए आप, नहीं हम आपकी रिक्वेस्ट नहीं सुन रहे, आप सुन रहे, हम नहीं सुन रहे यार, हम कैंपस के बाहर खड़े, हम आपसे रिक्वेस्ट करें आप अंदर जाए, इसी कैंपस के अंदर बच्ची का रेप हुआ है, इसी कैंपस के अंदर बच्ची का रेप हुआ है, इसी कैंपस के बेसमेंट के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड ने रेप किया है, आप आगे हमें यहाँ पे कैंपस का गेट दिखा रहे हैं कि गेट कैंपस का गिराव है, तो आप लोगों को क्यों इस चीज़ के लिए परेशान नहीं है कि इस बेसमेंट में बच्ची का रेप हुआ है, ज्यादा खतरनाक इस कैंपस का गेट गिरना है या उस बच्ची का रेप ज्यादा बड़ा जुल्म जबर है, और इस तरह सारे रूल्स वगैरह कि यहाँ पे दो से पहले आपको कहीं जाने नहीं देते, कॉलेज के अंदर है कि इतने रूल्स है, लेकिन कॉलेज के अंदर असल में हो क्या रहा है, लड़कियों के साथ हैरेसमेंट, उनके साथ ज्यादती, यहाँ पर जस्टिस के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और उन्हीं बच्चियों में से गार्ड्स बच्चों को ड्रैग करते हुए लेके गए, उनके बालों से पकड़ के, वो अभी इंजर्ड कॉलेज के अंदर पड़ी हुई है, हमें पता नहीं कि उनका क्या सीन होगा, अच्छा ठीक है, हमें नहीं पता कि उनके साथ अंदर क्या हो रहा होगा, अंदर कौन है कौन नहीं है, लेकिन उनको इतनी बुरी तरह से ड्रैग करके उनको इतनी चोटें लगी हुई है और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको बालों से पकड़ के लेके गए हैं, हम यहाँ पे मेल गार्ड्स, हम यहाँ मेल गार्ड्स लेके गए और उनमें से कुछ हंस रहे थे पीछे खड़े, हम यहाँ पे एक जस्टिस के लिए लड़े, नहीं नहीं मैं आपको वीडियो नहीं दिखाई लगी थी, अपना हाथ दिखाई हूँ कि इन्होंने मेरे हाथ पे दरवाजा हमारा गार्ड ने, और अगर मैं थोड़ा सा आगे हुई तो इन्होंने थप्पड़ मारे, इस तरह भी मेरा दरवाजा बजा, इन्होंने हल्का सा भी लिहाज नहीं किया कि हम लेडीज हैं, ये देखें, ये लोग इस बात को बाहर निकालना ही नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनके कॉलेज की रेपुटेशन का मामला था।